कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे दो यार। पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस करने को तो बहुत हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है उसके अंदर भाई आप। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉगर। मैं तुम लोगों को जो है ना क्विक अपडेट दे दूं। कल वाली वीडियो अगर तुम लोगों ने देखी थी तो तुम लोगों को पता था कि हमारे घर पे सैलाब आ गया था। उधर भी पूरा कमरा पानी से भरा हुआ है। ओए भाई, बारिश के पानी से जो है ना सारा पानी घर के अंदर आ गया है, गटर बंद हो गया है। तो यहाँ पे भी जो है ना काफी हद तक पानी आ गया है, लेकिन ये जो है ना अब सूख चुका है। पहले हम लोग सोच रहे कि यार हम लोग जो है ना कारपेट चेंज कर लेते हैं या इसको कटवा लेते हैं, लेकिन ये सूख गया था। बाकी गीला नहीं है एक कम से कम, तो ये सेट है भाई। एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सब के अंदर ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई ब्लॉग एंजॉय नहीं किया हुआ तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तू पा तो। अभी जो है ना आपकी भाई ने चाय वगैरह पी है, लेकिन अभी जो है ना नाश्ता नुश्ता हमने कोई नहीं किया, खाने को दे लेते हैं। नीचे क्या पड़ा हुआ है भाई? साला ने मटन का भाई कर लेते हैं गरम है। ओए 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 ओए। अब रोटी नहीं बनाने आती तो हम लोग जो है ना ये स्लाइस वगैरह बना लेते हैं और इसके साथ जो है ना हम लोग खा लेंगे सालन अपना। ओए ओए ओए। चलो जी हमारा जो है ना ये भी रेडी हो गया है। ओए 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 ओए। बहुत गर्म था भाई। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ओए भाई चल के मेरा हाथ जो है ना टिक्का बन गया भाई। ओए 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 बड़ा मजे का लग रहा है यार। स्लाइस भी जो है हमारे रेडी हो गए हैं। चलो जी। ओए 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 आ जाओ तुम भी ट्राई करो यार। मटन है साथ स्लाइस। ओए 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 कैसा है? मजा आएगा नहीं फिर? मैंने बनाया सारा। चल झूठा भाई ब्रंडरम तरीन बकरा यार। उसके बाद भी जो है ना इसी में जाके सो गए तो थोड़ी ना तबीयत जो है ना काफी खराब हुई हुई है और ना एक थकावट सी हो रही है, इसलिए ना व्लॉग बन नहीं रहा। लेकिन अब वीडियो तो डालनी है तो इसलिए जो है ना मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया हुआ था कि Q&A के लिए जो है ना क्वेश्चन वगैरह सेंड करो। तो आज जो है ना हम लोग यहीं से क्वेश्चन पकड़ के जो है ना Q&A करते हैं। बड़ा टाइम हो गया Q&A किए हुए। लेकिन वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि चेता सिंह का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। क्या सस्पेंस थ्रिल और मॉडर्न मूवी है। तुम लोग एक बार सिनेमेटोग्राफी चेक करो। सागा म्यूजिक की तरफ से जो है ये मूवी 1 सितंबर को रिलीज हो रही है। क्राइम थ्रिल एक्शन हर चीज जो है उन्होंने मूवी के अंदर डाली हुई है। आई थिंक 2023 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी होने वाली है। वर्ल्ड वाइड जो है ये रिलीज हो रही है, पूरी दुनिया में लगेगी। प्रॉपर बॉलीवुड मूवी, पंजाबी मूवी है, सस्पेंस भी है और क्राइम थ्रिलर बड़ा बड़ा कुछ है इसके अंदर, बड़ा सस्पेंस है भाई इसके अंदर। पाकिस्तान में तो नहीं लगेगी। सागा म्यूजिक वालों ने पाकिस्तान के लिए भी इंतजाम किया है, ये पाकिस्तान में भी सिनेमा में रिलीज हो रही है। पंजाबी मूवी 2023 रिलीजिंग 1 सितंबर को। तुम लोग तुम विजुअल देखो यार, उन्होंने जो है सिनेमेटोग्राफी की हुई है, क्या लेवल के जो है ना उन्होंने स्टोरी बनाई हुई है। भाई ट्रेलर देख के आपको मजा आएगा। नीचे मैंने लिंक दी होगी, ट्रेलर लाजमी देखना। कमेंट में भी पिन किया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा और हम लोगों ने जाके देखनी है 1 सितंबर को। मैं तो बहुत ज्यादा वेट कर रही। वैसे भी इतनी कोई खास मूवीज लगती नहीं है तो भाई ये जो है ना मूवी बड़ी लेवल की आ रही है, ये लाजमी देखनी है भाई। तो पहला क्वेश्चन है जी, हाउ टू बिकम रिच इन 15 इयर्स, एनी टिप्स एंड एडवाइस। भाई हरकतें आपकी 15 साल की उम्र में नशेयों वाली हैं। हर दूसरे VPN का आपको पता है, हर दूसरी पोजीशन का आपको पता है। जेब में 100 रुपए आ जाए तो फटाफट जो है अपने दोस्त से 70 मांग के अपना स्टिंग और गोल्ड लीफ पीने चले जाते हो और 15 साल की उम्र में रिच होना है यार आपको। बच्चियां तारते रहते हो स्कूल के अंदर, जो कोने में बैठी हुई लड़की है उसको देखते रहते हो, फिर ख्वाहिश करते हो कि काश वो मेरी होती है, लेकिन वो आपको मुंह नहीं लगती। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। तो जब हरकतें नशेयों वाली होगी तो 15 की उम्र में कैसे रिच बन पाओगे यार? चुप कर बे कुत्ते। डक्की भाई इलेक्शन लड़ने का इरादा है आपका? भाई इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल इरादा है आपके भाई का। पार्टी बनानी है, जितने भी लोग करप्ट हैं उन सारों को हमने निकाल देना है। जितने भी लोग मुल्क का पैसा लूट के खा रहे हैं सारों को जो है हमने लात मार के बाहर निकाल देना है। बस तुम लोगों ने वोट देना है भाई। एक सेकंड कॉल आ रही है। हां मां क्या मतलब ब्लैक वीक हुई है बाहर? What exactly your weight is? तलाल भाई सेंचुरी पूरी होने वाली है इस महीने।
भाई मोटा बहुत ज्यादा हो गया हूँ, मैंने शायद बहुत ही ध्यान लगा दिया है यार यूट्यूब पे, अपने पे मैंने ध्यान देना छोड़ दिया है। खाता रहता हूँ कभी कढ़ाई तो कभी बर्गर तो कभी पिज्जे तो कभी पकौड़े तो कभी समोसे, लेकिन टेंशन ये नहीं भाई, मैं मुझे पता है मैं हर बार वादा करता हूँ लेकिन पतला होगा आपका भाई, वो पुराने वाला जो 2018-19 वाला जो डकी भाई है, पतला चश्मे वाला सेक्सी वाला डकी भाई वो वापस आएगा, टेंशन ही नहीं भाई। डज द एक्साइटमेंट फॉर एक्सपेंसिव थिंग्स डिमिनिश आफ्टर यू बाय देम? आपकी ख्वाहिश होती है कि यार आपने जो है बड़ी महंगी घड़ी लेनी है, तो आईफोन लेना है, तो गाड़ी लेनी है, मैं जनवन बता रहा हूं 2-3 दिन की एक्साइटमेंट होती है और बस। कुछ लोगों को ये चीज बहुत खुश करती है, कुछ लोगों के लिए ये चीज मैटर नहीं करती, लेकिन अगर तुम लोग मेरे से पूछो तो यार मुझे मटेरियलिस्टिक चीजें खुश नहीं करती। मैंने ऑडी ई-ट्रॉन भी इसलिए लिया क्योंकि मैं ले सकता था, तो फजूल चीजों पे पैसे जाया मत करना, पैसे बचाओ इन्वेस्ट करो, तो ये सीन है भाई। अच्छा हमको सिखा रिया है। डू यू कंसिडर स्टेइंग इन पाकिस्तान इज द बेस्ट और लिविंग अब्रोड इज अ गुड वन? भाई अब्रोड वर्ब्रोड जाने का कोई फायदा नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो सहूलतें हैं वो आपको अब्रोड में नहीं मिलनी। यहाँ पे आप जब दिल करे इशारा तोड़ सकते हो, जब दिल करे ओवर स्पीडिंग कर सकते हो, जब दिल करे ड्रिफ्टे मार के चले जाओ, जब दिल करे गुटखा खा के थूक दो, जब दिल करे सिगरेट पी के फेंक दो, कोई आपको कहने वाला नहीं है। अब्रोड में ये फैसिलिटीज नहीं है यार, यहाँ जब आपको दिल करे अपनी बाइक निकालो ठीक है और मोबाइल लूट के चले जाओ, बाहर आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलती भाई, तो अब्रोड जाने का कोई फायदा नहीं है। जितने भी लोग अब्रोड जाने के ख्वाब देखते हैं भाई आपको वहां मजा नहीं आना। डू यू एवर फील लाइक नॉट व्लॉगिंग? इफ सो डू यू हैव प्लान्स ऑफ चेंजिंग योर कंटेंट? भाई व्लॉगिंग का अभी तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अगर कोई वक्त आ गया कि यार व्लॉगिंग का अब दिल नहीं कर रहा, तो टेंशन नहीं लेनी आपके भाई के पास टैलेंट बहुत है। डकी भाई एक दफा क्लीन शेव कर लो भाई, मैं वादा कर रहा हूँ कि आपका भाई 6 मिलियन सब्सक्राइबर पे क्लीन शेव करेगा। क्लीन शेव यानी कि पूरा रेजर से, मशीन से भी नहीं पूरा रेजर से, और साथ टिंड भी होगी, आईब्रोज के अलावा टिंड और दाढ़ी पूरी की पूरी क्लीन शेव हो जाएगी। टेंशन नहीं लेनी, बस 6 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो फटाफट। कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे दो यार, पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस करने को तो बहुत है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है उसके अंदर भाई आप करप्शन कर सकते हो, लोगों के साथ 2 नंबरी करो, लोगों का पैसा लूट के खाओ, इस फील्ड में बहुत पैसा है, बहुत प्रॉफिट बन सकता है आपका। या तो आप इशारों पे खड़े होकर पैसे वैसे मांगो, ये मांगने वाला जो बिजनेस है उसमें 5-6 लाख तो एम ही मान जाता है भाई, तो पैसा कमाने के तरीके बहुत हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आ रहे हो साथ? तिशाल डग्गल भाई इंडिया आने का बहुत दिल है वर्ल्ड कप के लिए। जिन लोगों को नहीं पता वर्ल्ड कप जो है इस साल का 2023 इंडिया में हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान वालों की किस्मत में वर्ल्ड कप देखना ही नहीं है भाई, लेकिन कोशिश A to Z मैं पूरी करूंगा कि किसी तरह 5 दिन का भी इंडिया का वीजा मिल जाए ना यार, मजा आ जाएगा भाई। और अगर कोई इंडिया में से कोई देख रहा है, कोई प्रधानमंत्री या और कोई मिनिस्टर या कोई बड़ा आदमी, तो यार अपने भाई को लेटर वेटर भेजो ना यार इनविटेशन का, निकल भाई। लेकिन जनवन अगर इंडिया का वर्ल्ड कप का सीन हो जाए ना ऑन, मजा आ जाएगा भाई। तो खैर ये था भाई छोटा सा Q&A, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी डाउन हो गई थी, तो मैंने कहा Q&A बना लेते हैं, बड़ा टाइम हो गया। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई व्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना, मिलते हैं कल ओ काफिर।